या आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, कल आपको लूट लेगा और आप बदनाम होइएगा। महोदय कितने से दुश्मनी कीजिएगा, 1,14,654 को आप धरती रोड पर निकाल रहे हैं, ये आपका दुश्मन होगा, इतना बहाल होगा वो भी आपका दुश्मन होगा, क्या आपकी कुर्सी रहेगी? इस आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूँ गर्दनीबाग के पटना से, जहाँ वार्ड सचिव संघ आज 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक लगातार 3 दिन से धरना पर बैठी हुई है और इनकी मांग को अभी तक सरकार नज़रअंदाज करते जा रही है। मैं जानना चाहूँगा यहाँ जो बैठे हुए हमारे पदाधिकारी हैं उनसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने क्या अभी तक सरकार के तरफ से क्या आश्वासन मिली है, सरकार के तरफ या प्रशासन से कोई भी पदाधिकारी आए हैं इनको बताने के लिए या नहीं, इनके बारे में मैं इनसे जानकारी लेना चाहता हूँ। तो चलिए मैं आता हूँ, एक बार बात करता हूँ। नमस्कार सर, अपना नाम बताइए। सिकंदर कुमार मेरा नाम है। हाँ, कहाँ से हैं सर? जमुई से हैं। क्या हुआ है अभी तक जो आप लोग धरना पर लगातार बैठे हुए हैं, इसके बारे में सरकार क्या अपने तरफ से कोई आश्वासन? अभी तक तो इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग प्रदेश अध्यक्ष कामदेव जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं करती है सरकार, तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे और हमारी मांग वही है जो 13 तारीख को वार्ड सचिव को बदलने का या वार्ड किरण प्रबंधन समिति को पुनः नए तरीके से गठित करने का जो लेटर है उसको वापस ले सरकार, ये हमारी मांग है। सर, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिली है अभी तक? क्या अभी कोई आश्वासन नहीं मिली है जी। हम लोग लगातार 15 तारीख से धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकार के कोई भी अभी हम लोग से बात करने के लिए नहीं आया। सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व नहीं आया है आपसे बात करने के लिए? कोई प्रतिनिधि बात करने के लिए नहीं आया जी। आपको प्रशासन की तरफ से क्या कोऑपरेट है धरना स्थल पर? प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, कोऑपरेट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी महिला भी उपस्थित है और काफी दिन से यहाँ 3 दिन से लगातार धरना पर बैठ रही है। लगातार धरना यह जारी रहेगा जब तक 13 तारीख को चिट्ठी निकला, जब तक वो चिट्ठी वापस नहीं होता है तब तक ये हम लोग को धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। ये नए वार्ड सचिव का चयन करना है तो बताइए सर कि 4 साल हम लोग काम किए हैं, इतना हम लोग मतलब पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार बन के रह गए 4 साल, और यदि हम लोग को हटा दिया जाता है तो क्या वो फिर से जो 1,25,000 सचिव नया चुनाएंगे उनको फिर वो मेड़ के रखेंगे काम करो? पहले हम लोग को बोला गया था कि भाई 2,000 पैसे देंगे। आपका कहना सीधा सीधा है कि अगर हमें गुमराह किया गया 4 साल तो जो नया बनेगा उसको भी गुमराह करने का प्रयास? बिल्कुल बिल्कुल जी जी। आप लगातार 3 दिन से बैठे हैं धरना पर, क्या कहना चाहिएगा? कैसे खाना पीना रहना सहना कैसे चल रहा है? कैसे रहना पीना चल रहा है जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ ना कि जो सरकार ने लेटर निकाला है वो लेटर वापस करे, हम लोग के लेटर जारी करे। 3 दिन से हम यहाँ ठंड में बैठे हैं, अपना घर द्वार घर परिवार छोड़ के, क्या हम लोग की यही है? सरकार ने नीतीश कुमार ने बोला है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वही बेटी पर लिखकर आज अपना अधिकार मांग रही है, तो सरकार क्यों नहीं सुन रहे हैं? हम लोगों का अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं? बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि एक बेटी बिहार सरकार से अपने अधिकार को मांग कर रही है। क्या कहना चाहिए? कहाँ से है मैम? हम बेगूसराय जिला से हैं। क्या कहना है? हमको कहना है क्या यही हमको 4 साल तक काम करवाए, हमको अस्थाई करें, जो लेटर निकाले हैं वो वापस करें, अस्थाई करें, सम्मानजनक मान दें। 3 दिन से आप कैसे लगातार रह रहे हैं इस ठंड में? ठंड में भूखे प्यासे रहे हैं, बच्चा छोटा छोटा छोड़ के आए हैं, उसको दया माया नहीं है। क्या कीजिएगा? कब तक सरकार बात नहीं मानती है कब तक यहाँ? जब तक लेटर नहीं जारी करेंगे तब तक यहाँ बैठे रहे, डटे रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या देख रहे हैं लगातार 3 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं? धरना पर कब तक आपसे आएगी मिलने के लिए? हम आपके चैनल से के माध्यम से हम कहना चाहते हैं जो जितने भी हमारे सरकार के अंदर में है लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए जो ये लोग ठंड में किस तरह से फुटपाथ पर रात को 3 रोज से रात बिताते हैं। हो सकता है किसी को कुछ भी हो जाए तो इसका जिम्मेवार सरकार के ऊपर जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट था, 4 साल से हम लोग को पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और 4 साल से काम करवा करके और 13 तारीख को जो लेटर जारी कर दिए हैं हम लोग को हटाने का, वो लेटर वापस ले फिर हम लोग धरना तोड़ेंगे अनिश्चितकालीन तक है। जी अभी तक कोई उम्मीद नहीं जगा है? अभी तक कोई उम्मीद नहीं जगा है। को निकाल रहे हैं, कल उनको निकालिएगा। इस तरह से महोदय जिस तरह से आपका शराबबंदी फेलियर हो रहा है वही हाल इस 7 निश्चय का होगा, मैं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपने आज हम जैसे पढ़े लिखे नौजवान को निकाल रहे हैं या आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, कल आपको लूट लेगा
और आप बदनाम होइएगा। महोदय कितने से दुश्मनी कीजिएगा, 1,14,654 को आप धरती रोड पर निकाल रहे हैं, ये आपका दुश्मन होगा, इतना बहाल होगा वो भी आपका दुश्मन होगा, क्या आपकी कुर्सी रहेगी? इस पर जरा विचार कीजिए। और हम लोगों का जो मांग है वो पहला जो है अस्थायीकरण, सम्मानजनक मानदेय और सरकारी कर्मी का दर्जा, ये जो लेटर निकाले हैं इसको वापसी आपको लिखित करना पड़ेगा, तब यहाँ से जाएंगे, वरना आपको जो करना है महोदय आप कीजिए। मैं इतना ही चंद शब्दों के साथ इस जगह पर अब मर मिटने की स्थिति, चाहे हमारे बाल बच्चे परिवार जो भी है इस धरती पर आएंगे, और इतना ही कहूँगा महोदय अभी भी हमारे साथ न्याय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे कि इन्होंने चंद शब्दों में बहुत सारा चीज़ कह गया। बीटी न्यूज बिहार से देखते रहिए। विनय कुमार विनायक का रिपोर्ट, गर्दनीबाग।